ज रूपाली एंड आई एमिनेंट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है वॉलोज तो बेसिकली वॉलोज होता क्या है सबसे पहले तो आप जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं इट इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच गैसेज मोल्टिन रॉक मटेरियल्स एश स्टीम एक्सेट्रा और एमिटेड तो बेसिकली कहीं पर भी अर्थिक्रस्ट में मान लीजिए अगर अर्थक्रस्त है तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई फॉल्ट की वजह से या किसी वजह से अगर थोड़ी सी भी ओपनिंग है तो जो नीचे एस्थोनासफर में मैगमो होता है वो निकल के बाहर आ जाता है ओके तो जब वो निकल के बाहर आता है तो उसके साथ में ही बहुत सारी गैसेस एश और रॉक्स वगैरह भी बाकी निकल के आते हैं जब ऐसा कुछ फिनोमिना होता है तो उसको बेसिकली वॉल्कनोज कहते हैं अब एक चीज़ और की जब तक ये एस्थिनोसफेयर के अंदर रहेगा मोल्टेन रॉक मटेरियल तो उसको मैगमा कहेंगे लेकिन अगर वो वॉलकनोज के फॉर्म में जो मोल्टेन मैगमा है वो बाहर आएगा तो वो लावा कहलाएगा ठीक है अब वॉलकनोज के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं तो वॉलिनो के टाइप फिजो वॉल्कनोज होते हैं शील्ड वॉल्केकेनोज होते हैं कंपोजिट वॉल्केकेनोज होते हैं कॉलडेराज होते हैं तो ये बेसिकली किस तरह से एक्सप्लोजन हो रहा है और कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वॉल्केनो का टाइप कैसे होगा तो सबसे पहले देखते हैं शील्ड वॉल्केकनोज़ तो इनको शील्ड वॉल्केकेनोज क्यों कहते हैं सबसे पहले इनको शील्ड वॉल्केकेनोज इसलिए कहते हैं कि अगर आप इस टाइप के वॉलनोज को ऊपर से देखोगे इसका एरियल व्यू देखोगे तो एरियल व्यू में ये कुछ ऐसा दिखेगा शील्ड जैसा ठीक है तो इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं ये बहुत स्टीप नहीं होता और वाइड होता है मतलब कि स्टीप नहीं होता मतलब ये होता है स्टीप होने का मतलब है कि जो स्लोप होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा मतलब ऐसा सा नहीं है ये स्टीप है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा है स्टीप और वाइड है मतलब स्टीप नहीं है और बहुत वाइड है वाइड uh, क्यों है क्योंकि जो मॉल्टिन मैग्मा है वो बसार टाइप का होता है और बसार्टिक मैग्मा की बसार्टिक लावा की क्वालिटी होती है कि वो ज़्यादा फ्लूइड होता है कम विस्कस होता है तो वो बहुत ज़्यादा दूरी तक जाता है और बहुत ज़्यादा दूरी तक क्योंकि वो ट्रैवल कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता और बहुत दूर तक ट्रैवल कर लेता है तो बहुत ऊंचाई वाले स्ट्रक्चर्स नहीं बनाता है ठीक है तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी लेकिन उसका जो एक्सटेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा ठीक है लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केकिनोज इन दी वर्ल्ड तो जो शील्ड वॉल्केकिनोज होते हैं वो वर्ल्ड के कुछ सब जो लार्जेस्ट वॉल्केकिनोज होते हैं उनमें से एक तरह के होते हैं इनका स्लोप कम होता है जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया ऊपर कि इसका स्लोप जो है वो कम है ठीक है एंड कंसिस इंटायरली ऑफ फ्रोजन लावा फ्रोजन लावा का बना होता है पूरा इसका क्या मतलब है कि जैसे अब देखिए यहाँ ये कोई पार्ट है यहाँ से अगर वॉल्कनिकपशंस हो रहे हैं तो एक यहाँ पे डेवलप हो गई एक लेयर अब दोबारा जब होगा तो फिर इसके ऊपर बह के आ जाएगा ऐसे ही ये पूरा बन जाएगा तो इसके जो नीचे वाला पूरा पार्ट होगा उसमें और कुछ नहीं है सिर्फ फ्रोजन लावा है ठीक है मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट विच इज़ लेस विस्कर्स मतलब लेस विस्कर्स होगा तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा हनी जैसा नहीं है ये हनी से पतला है ठीक है मतलब पानी जैसा सा कुछ है कि बहुत दूर तक वो ट्रैवल कर सकता है ठीक है एंड लो एक्सप्लोजिव मतलब कि जब ये वॉल्कैनोज इराप्ट होंगे तो एक्सप्लोजन के साथ इराप्ट होंगे जैसे कि आपने कई बार देखोगे जब वॉल्केकेनोज इराप्ट होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है दूर दूर तक रॉक्स वगैरह देते हैं तो ऐसा नहीं होगा एक्सप्लोजन नहीं होता है जनरली इनमें एक कंडीशन है जिसमें इसमें एक्सप्लोजन हो सकता है अगर इस वॉल्केकैनो में अगर पानी चला जाए तो केमिकल रिएक्शन की के वजह से इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है तो सिर्फ एक ये कंडीशन है जिसमें ये एक्सप्लोजिव हो जाते हैं अब होता क्या है कि मान लीजिए ये एक वॉकैनो है जिसमें पहले वॉलकैनो इरप्शन हो चुका है ठीक है और अब जो है दूसरा वॉलकैनो इरप्शन होने वाला है इसमें तो अब जो नया इरप्शन होगा इसमें तो वो क्या करेगा अब ये ओपनिंग तो बंद हो चुकी है कि यहाँ पे पहले से लावा है जो ठंडा हो चुका है अब तो जो नया वॉलकनो एडाप्ट हो रहा है सेम जगह पे वो क्या करेगा इस वाले पॉइंट को एक्सप्लोड कर देगा ठीक है अब इस वाले पॉइंट पे छोटा सा एक्सप्लोजन होगा उसके बाद लावा निकल के बाहर आएगा तो जब यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा कि इस अब हम इस वाले पॉइंट पर कंसिडर करें कि इसका जो आ, रहेगा तो सीन क्या रहेगा तो इस पॉइंट पे एक्सप्लोजन होगा तो क्या करेगा कि एक, एक ए, सिदार शेप का वो बना देगा सॉरी सिंडाकोन बनाएगा वो ठीक है तो सिंडाकोन का क्या होता है कि सिंडाकोन यहाँ पे जो बेसिकली सिंडाकोन क्या है कि जो भी जब एक्स वॉल्केकैनिक एरपन्स होते हैं तो साथ में कुछ ऐशेज भी आते हैं ठीक है तो वो एशेज यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे एशज की वजह से वो सिंडाकोन बन जाएगा एशेज या पायरोक्लास्टिक जो मटेरियल निकलेगा वॉलनोज के साथ में उसकी वजह से वो यहाँ पे एक सिंडाकोन बना देगा तो सिंडाकोन कैसा होगा कि छोटा सा क्रेटर होगा ऊपर और एक कोन होगा ऐसे इस शेप का वो बन जाएगा जो जिसमें एशेज होंगी मल्टे लावा होगा और बाकी जो रॉक्स और पार्टिकल्स निकल के आएंगे वॉल्कनोल्स के साथ में ठीक है तो ये चीज़ होगा तो अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन थ्रोज आउट अ कोन एंड डेवलप्स इनटू अ तो टू कोन तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको वो हटा देगा और ऊपर क्योंकि नया लावा निकल के आ रहा है बाहर तो ऊपर वाले पार्ट को वो हटा देगा एंड देन देहाँ पे क्योंकि जो वॉल्कनिक इरप्शन होगा उसकी वजह से एक कोन यहाँ पर बन जाएगा आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं ठीक है तो ये जो मैग्मा है ये पूरा जो मटेरियल है यहाँ पे ये पूरा फ्रोजन लावा है जो अलग अलग एक्सप्लोजन की वजह से इकट्ठा हो गया है और जब यहाँ पे से नया वॉलो का होगा तो ये वाला जो एरिया है वहाँ से वो निकल जाएगा एक क्रेटर या वेंट फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर और एक सिंडोकोन डेवलप हो जाएगा तो ऐसे ये शील्ड वॉलोज ऐसे वर्क करते हैं अब सेकेंड है हमारे पास कम्पोजिट वॉलोस तो सबसे पहले तो कम्पोजिट वॉलोज क्यों कहते हैं इनको क्योंकि ये एक जैसे हमने शील्ड वॉल के नाम देखा था ये पूरे फ्रोजन लावा नहीं है इसमें क्या है कि एक लेयर लावा की है फिर दूसरी लेयर ऐश की है और फिर दूस, उसके ऊपर फिर लावा है फिर एशन तो इस तरह से ये कंपोजिट लेयर वाइज बन रहा है ठीक है तो इनका शेप क्या है इनका कौन शेप्ड है पिछले वाले में हमने शील्ड शेप में देखा तो कौन शेप्ड है मतलब कि ये ऐसा सा कुछ है ठीक है एंड देन हैव स्मॉल क्रेटर्स इन दैर समिट्स यहाँ पे छोटे छोटे से क्रेटर्स होते हैं क्रेटर मतलब कि आ, एक तरह का गड्ढा सा है जहाँ से लावा निकल के बाहर आएगा ओके कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ सॉलिड लावा मिक्स विद लेयर्स ऑफ सैंड ग्रेवल वॉल्निक रॉक और वॉल्केशेस तो मतलब कि लावा की एक लेयर जैसे वॉल्केनिक्शन होगा तो पहले क्या निकलेगा पहले uh, गैसेस वगैरह निकलेंगी या ऐश निकलेगी तो वो सब uh, होगा तो पहले तो ऐसेज हवा में रहेंगी तुरंत से तो वो नीचे नहीं बैठेंगी तो वॉल्केनिक्शन होगा गैसेस निकली बहुत सारी और ये सारी गैसेस हवा में या ये, ये जो है वो अभी एटमोसफेयर में अभी ये सेटल नहीं हुई है ठीक है तो जो uh, लावा निकल रहा है फ्लो के वो ऐसे आता जाएगा ठीक है और क्योंकि अभी लावा फ्लो रहा है ओवर टाइम जब यह ऐसे सेटल होंगी तो ऐश की लेयर यहाँ पे एक आ जाएगी ठीक है तो ये ऐश की लेयर आ जाएगी अब ये लावा अब ये वॉल्केन थोड़े टाइम के लिए डॉर्मेंट हो जाएगा थोड़े टाइम में एक्सप्लोजन नहीं होगा इसमें अब जब दोबारा एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा कि फिर से गैसेज रिलीज होंगे और एशज रिलीज होंगे वो एटमोसफेयर बनेगी और जो लावा होगा वो ऐश की इस लेयर के ऊपर फिर से आ जाएगा ठीक है और अब जो ये ऐशेज जो हाफ एटमोसफेयर में है वो सेटल होंगी और इसके ऊपर फिर से एक ऐश की लेयर बनाएगी तो आप देख रहे हैं कैसे कंपोजिट स्ट्रक्चर बना रहा है कि पहले एक लेयर लावा की आएगी उसके बाद दूसरी लेयर एशेज की आएगी या जो भी डेबरीफ उससे निकल के बाहर आएगी उसकी फिर उसके ऊपर फिर लावा की रहे रहे तो एक लेयर आएगी तो इससे कंपोजिट वॉलकन हाउस बन रहे हैं ओके कैरेक्टराइज रप ऑफ कूलर एंड मोर विस्किस लावा तो जो कंपोजिट uh, वॉलकन होता है वो बेसिकली जो उनका लावा होता है वो एसिडिक टाइप का होता है ठीक है एसिडिक टाइप का होता है और इसमें सिलिका ज़्यादा होता है सिलिका ज़्यादा होता है तो इसकी क्वालिटी क्या होती है कि ये थोड़ा कंपेरेटिवली ठंडा होता है तो कम ठंडा होने की वजह से क्या होता है कि बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता मान लीजिए यहाँ से अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा और कम दूरी में ही ठंडा हो जाएगा और ज़्यादा विश्कस होता है मतलब कि हनी uh, की तरह है तो बहुत दूर तक पानी की तरह वो जा नहीं सकता तो कम दूरी पर जाएगा तो वो इस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये माउंटेन है यहाँ से इरप्शन हो रहा है तो जो लावा निकलेगा वो बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो वो ऐसे ही इकट्ठा होता जाएगा और बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता जाएगा तो आप देख रहे हैं अगर ये बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो बहुत ही स्टीप सा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसकी हाइट ज़्यादा होगी ठीक है शील्ड जैसा नहीं बनेगा जैसा हमने देखा था तो डिफरेंट फ्रॉम बिसाल्ट होगा बिसाल्टिक लावा जो शील्ड लावा होगा उसके जैसा सा नहीं होगा और ये काफी स्टीप स्लोप बनाएगा और ये जो कंपोजिट वॉल्किनोज़ है वो ऑफन एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं ठीक है तो इन टाइप के वालकिन में जब भी आप्शन होगा तो वो एक्सप्लोजिव होगा और जस्ट uh, uh, मैंने पहले भी बताया कि जब इरप्शन होगा तो उसके साथ में बहुत सारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलेगा पायरोक्लास्टिक मटेरियल में क्या होंगे एशेज होंगे छोटी छोटी सुरॉक्स होंगी या वो सारी चीज़ें भी निकल के बाहर आएँगे ठीक है तो ये अच्छा ये आपको ध्यान रखा कंपोजिट वॉल्कनो में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मैगमा मैगमा चम्बर है यहाँ से निकल के मैगमा बाहर आ रहा है और ये क्रेटर है उसकी ओपनिंग में और यहाँ से सारा साल रहा है और अब देख रहे हैं लावा बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है और बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा ठीक है और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लेयर लावा की है ये और उसके ऊपर ऐशेज़ हैं या डेबरी है जो भी गिर रही है ठीक है तो ये कंपोजिट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है अब क्या होता है इसमें कई बार क्या होता है ना कि साइड वेंट्स भी हो जाते हैं तो ये मेन चैम्बर है मेन वेंट है जहाँ पे एक्सप्लोजन बहुत टाइम सुनिए लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे साइड में कोई जगह मिल जाएगी या कोई पॉइंट होगा जहाँ पे से जो लावा है उसको स्केप करने की तो वो साइड में से भी ऐसे वेंट्स बना लेता है तो कंपोजिट वॉल में कई बार आपको साइड में भी एक्स्ट्रा वेंट्स देखने को मिलेंगे तो इनको पैरासिटिक कौन बोलते हैं ठीक है क्योंकि ये पैरासाइट की तरह इस मेन वेंट के लावा को ले जाए ठीक है नेक्स्ट कौन सा टाइप है नेक्स्ट कॉलडेराज है तो कॉलडेरा जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव वॉलोज होते हैं ठीक है अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना कॉलडेरा एक तरह का वॉलनो का स्ट्रक्चर होता है जो बन जाता है वॉलिक करप्शन के बाद में तो आप ये मान लीजिए मान लीजिए एक वॉलकैनो है जो कभी फट पहले फटा था या कोई नॉर्मल माउंटेन है जिसमें वॉलनोज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ठीक है तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा चेम्बर है जो जहाँ पे मॉल्टन मैगमा है और ये मॉल्टन मैगमा निकल के बाहर आ रहा है तो जब ये मल्टिन मैग में निकल के बाहर आएगा तो एक्सप्लोजन इतना ज्यादा होता है इतना भयानक एक्सप्लोजन होता है कि वो बहुत दूर तक वैसे नहीं जाता लेकिन इतना होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ऊपर का वो पूरा कोलेप्स कर जाता है तो जब ये वाला स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स कर जाएगा तो कैसा बचेगा ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा तो ये जो पार्ट बनेगा क्योंकि पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर कोलेप्स हो गया और एक बहुत बड़ी बड़ा सा गड्ढा सा हो गया यहाँ पे तो ये जो गड्ढा हो गया ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको कालडेरा बोलते हैं ठीक है और ये डिफरेंट है क्रेटर से क्योंकि क्रेटर का जो साइज है वो छोटा होता है तो पिछले वीडियो में जो कंपोजिट वॉल करना उन्होंने देखा था जो क्रेटर यहाँ पे बन रहा था वो उसका साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा है कॉलडेरा का साइज बहुत बड़ा है क्योंकि वो ऊपर का जो पार्ट है उसको पूरे को एक्सप्लोर कर दे रहा है ठीक है और ये जो पूरा मटेरियल है वो सबसाइड हो जा रहा है अंदर ठीक है तो ये वेन दे एरप दे टेन टू कलेप्स ऑन डेन्सेल्स रेजर देन बिल्डिंग टॉल स्ट्रक्चर्स तो ये इरप्शन जो होता है तो वो uh, पिछले कंपोजिट वाल कैनोस की तरह बड़े से स्ट्रक्चर नहीं बना रहे है। वो ऊपर वाले सारे स्ट्रक्चर को खुद ही कोलेब्स कर दे रहा है ठीक है और ये कोलेब्स स्ट्रक्चर कोलडेरा कहलाता है जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा सा बनेगा ये पूरा ये कुछ ऐसा सा दिखेगा और अब बाद में क्या होगा इन फ्यूचर हो, हो सकता है यहाँ से फिर कोई वॉल्कनिक इरप्शन हो जाए और अगर वॉल्कनिक इरप्शन नहीं हो तो कई बार क्या होता है कि पे पानी भर जाता है और फिर ये कॉलडेरा की लेक बन जाती है तो इसको क्रेटर लेक भी बोलते हैं तो ये बाद की फिनामेन है ठीक है और ये इनका जो एक्सप्लोजिव नेचर है क्योंकि सब ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं तो वो क्या इंडिकेट करते हैं ये सब ज़्यादा एक्सप्लोजिव क्यों होते हैं क्योंकि जो इनका मैगमा चेंबर है वो बहुत पास में होता है तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये पूरा माउंटेन है इसके बहुत नीचे मैग्मा चेंबर है लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये, ये येलो स्टोन पार्क का है ठीक है तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैग्मा चेंबर है वो बहुत पास में वॉलो के ठीक है और जब मैग्मा में चेंबर बहुत पास में होगा वालकैनो के तो जब भी रप्शन होगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का होगा ठीक है और क्वालडेरा और क्रेटर का डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया क्वालडेरा जो होगा वो बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा और क्रेटर छोटा सा स्ट्रक्चर होता है माउंट ऊपर वॉल के एक बस गैप है जहाँ से इप्शन हो रहे हैं और ये कॉलडेरा बन रहा है क्योंकि ऊपर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कलेप्स हो गया है तो ये तीसरा टाइप था अब जो आ, क्लासिफिकेशन एक और तरीके से कैसे हो सकता है वो है कि एक्टिव है या डॉर्मेंट है या एक्सटेंट हो चुका है ठीक है तो एक्टिव वॉलो का क्या मतलब है एक्टिव वॉलो का मतलब है कि अभी रिसेंटली उसमें एक्सप्लोजन हुआ है कुछ टाइम पहले डॉर्मेंट वॉलकनो का क्या मतलब है डॉर्मेंट वॉलकिनों का मतलब है कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक्सप्लोजन हुआ है लेकिन बहुत टाइम से उसमें अब एक्सप्लोजन नहीं हुआ है तो हमारे रहते हुए ह्यूमंस के रहते हुए एक एक्सप्लोजन उसमें हुआ है उसका रिकॉर्ड है मेरे पास लेकिन अभी उसके बाद से कोई रिसेंटली एक्सप्लोजन नहीं हुआ है तीसरा एक्सटेंट वॉल्केनोज तो एक्सटेंट वॉलकनोज का मतलब है कि ह्यूमन हिस्ट्री के पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था हमें पता है कि उस वॉल्केनो में एक्सप्लोजन हुआ है कभी लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में जब से हमें पता चलना शुरू हुआ है जब से हमने रिकॉर्ड करना शुरू हुआ है तो उस टाइम में उसका कोई भी एक्सप्लोजन उसमें नहीं हुआ है ठीक है अब इसके अलावा मोड ऑफ इरप्शन में भी आ, के बेसिस पे भी उसको क्लासीफाई किया जा सकता है तो पहला क्या है सेंटर टाइप मतलब कि यहाँ से और ये सेंट्रल एक वेंट ये चेम्बर होगा और इस चेंबर से एक वेंट के थ्रू मैग्मा निकलेगा ठीक है तो ये फिजर हो सकता है मतलब कि बीच में छोटा सा गैप है पहले से ही तो एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं पड़ रही और वो ऐसे निकल के बस रहा है बाहर ठीक है या तो ऐसे हो सकता है या तो वो एक्सप्लोजन के साथ में हिल्स बनाएगा या ये चीज़ें होंगी ठीक है तो एक ये टाइप है जिसमें सेंट्रल फिजर के थ्रू होता है सेंट्रल टाइप होता है फिजर टाइप क्या होता है फिजर टाइप होता है कि नीचे से आ रहा है गैप्स हैं इसमें फॉल्ट्स की वजह से आर्थिक क्रस्ट में और इस फॉल्ट में से वो निकल रहा है बाहर ठीक है तो ये जो होता है वो प्लेट्यूज़ बनाता है इस टाइप में जो प्लेट्यूज बनेंगे वो बनेंगे और इसमें माउंटेन या छोटे छोटे से हिल्स या माउंटेन्स बनेंगे और इसमें मोस्टली प्लेट्यूज बनेंगे तो जैसे डकेंड प्लेट्यू है वो इस टाइप एक्सप्लोजन की, की वजह से बना है अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लावा के बेसिस पर डिफाइन किया जा सकते हैं जैसे एसिडिक लावा और बेसिक लावा दो तरह के लावर्स होते हैं तो बेसिक लावर्स की क्या क्वालिटी होती है कि मेटेलिक मिनरल्स इसमें ज्यादा होते हैं दूसरी क्या क्वालिटी होती है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है मतलब क्या है कि कम हीट में भी वो ईजिली मेल्ट हो जाएगा ग्रेट प्यूरिटी होती है बहुत दूर तक वो बहेगा ठीक है लंबे एक्सटेंट तक जाएगा जैसा कि हमने देखा था पिछले उसमें शील्ड वॉल में तो शीलवॉल के जो लावा इराफ्ट हो रहा था वो लंबी दूरी तक जा रहा था ठीक है? उसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा था। लावा फ्लोस फार एंड वाइड ओके और इसकी स्पीड ज्यादा होगी बहुत तेजी से बढ़ेगा जल्दी ठंडा नहीं होगा दूर तक जाएगा और काफी तेजी से बढ़ेगा जैसे अगर आप पानी फेंकें बाल्टी से तो पानी बहुत, जल्दी बहुत दूर तक पहुंच जाता है और उल्टा अगर आप शहद को डिब्बे से गिराएं तो उसको दूर तक जाने में टाइम लगेगा ठीक तो है. है तो वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम्पल क्या एग्जाम्पल शील्ड वॉल्केकेनोज है तो वॉल बेसिक लावा का जो टाइप होता है वो शील्ड वॉल्केनोज बनाता है अब एसिडिक लावा सी क्वालिटीज़ क्या होते हैं एसिडिक लावा जो है सिलिका रिच होता है ठीक है और रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको पिघलाने के लिए हाईली विस्कस होता है कि बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करेगा हनी जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी ठीक है और जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा ठंड मतलब इसका टेम्परेचर कम होता है और हाई वॉल्केकनी स्ट्रक्चर अगर जल्दी ठंडा हो जाएगा तो बहुत जल्दी ठंडा होता है मतलब कि अगर यहाँ से एक्सप्लोजन हुआ और थोड़ी दूर तक ये बहेगा फिर ठंडा हो जाएगा तो दोबारा जब जो भी निकल के आएगा वो इसके ऊपर इकट्ठा होता जाएगा बहुत दूर तक वो नहीं बह पाएंगे इसलिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हाइट उसकी ज़्यादा होगी वो उसकी विथ ज़्यादा नहीं होगी ठीक है तो क्या बनेगा जब हाइट ज़्यादा होगी तो स्टीप स्लोप होगा ना आप देख सकते हैं ये वाले स्लोप में और इस वाले स्लोप में डिफरेंस है ये वाला स्लोप दूर तक जा रहा है तो इसका स्टीप स्लोप नहीं है इसका स्टीप स्लोप है क्योंकि वो हाइट वाइज ज़्यादा बना रहा है ठीक है तो एक्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल कंपोजिट वॉल कैनोज है पिछली स्लाइड में जो कि हमने देखा है ठीक है अब क्योंकि जब लावा निकल के आ रहा है ऊपर जो मार्टिन मैग्मा है वो ऊपर सरफेस के ऊपर आ रहा है और जब वो बाहर निकल के आ रहा है तो वो ठंडा हो रहा है ठंडा होने के बाद में वो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनाता है ठीक है तो दो चीज़ें मेन हैं जब वॉलकैनिक लैंडफॉर्म्स में हैं तो दो लावा या तो सरफेस के ऊपर आके ठंडा हो सकता है जब सरफेस के ऊपर आके वो ठंडा होगा तो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स होंगे और अगर अंदर ठंडा होगा तो इंक्लूजिव होंगे तो जब हम रॉक्स पढ़ेंगे तब हम एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे अभी हम फोकस करेंगे इंक्लूसिव स्ट्रक्चर्स के बारे में इंक्लूसिव लैंडफॉर्म्स जो बनेंगे ठीक है तो इन्क्लूजिव इग्नियस जो रॉक्स होंगे या इंक्लूजिव इग्नस लैंडफॉम्स होंगे उसको प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं ठीक है ये आ, कुछ टाइप्स हैं उसके तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले बाथुलिट्स क्या होते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये आ, हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ये हमने माना ठीक है इसके अंदर हम देखेंगे ये ठीक है तो मान लीजिए यहाँ पे नीचे एक बहुत बड़ा सा चेम्बर है मैग्मा का एस्थोनासफेयर नहीं है ठीक है अब ध्यान आप इसके नीचे एस्थोनासफेयर है यहाँ एस्थोनासफेयर से निकल के मैग्मा यहाँ पे इकट्ठा हो गया है जो बहुत डीप है तो ये इस शेप में कोन के शेप में यहाँ पर बहुत सारा मैगमा इकट्ठा है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो बहुत बड़ी सी बॉडी है बहुत डीप है नीचे अर्थ के जहाँ पर बहुत सारा मैगमा इकट्ठा है ठंडा हो रखा है इस जो लैंडफॉर्म है उसको बैथोलिट्स बोलते हैं ठीक है ये कई ये जो होगा ये कई बार आने वाले जो लैंडफॉर्म्स होंगे उसके लिए मैग्मा चेंबर का काम करेगा तो नेक्स्ट देखते क्या है नेक्स्ट है हमारा लैकोलिट्स हैंकोलिट्स क्या होते हैं अब मान लीजिए यहाँ पे कोई फिशर है ठीक है अब क्योंकि बहुत सारी रॉक्स हैं यहाँ पे ये खाली ऐसे नहीं है तो इसके ऊपर रॉक्स हैं सारी यहाँ पे यहाँ पे से कोई कहीं पे से मान लीजिए मैगमा को ओपनिंग मिल गई ऊपर जाने की तो अब ये मैगमा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा यहाँ पे कोई उसको गैप मिले या फिजर मिला तो वो ऐसे से इकट्ठा हो जाएगा इस शेप में तो ये लेकोलेट्स हैं अब इसमें खास केस में एक खास है कि आपको ये हमेशा याद रखना जो लेकोलिट्स होंगे वो बेस उसका फ्लैट होगा कॉनिकल शेप में होगा और लेकोलिट्स के नीचे हमेशा एक वेंट होगा जहाँ से उसको लावा मिल रहा है ठीक है ये उसी खास बात है तो जहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कॉर्निकल शेप में है बेस उसका फ्लैट हो उसके नीचे लावा का एक सोर्स है लगातार वो जो स्ट्रक्चर होगा वो लेकोलिट्स होंगे ठीक है ये हमारे पास लेकोलिट्स हैं आप देख सकते हैं लार्ज डोम शेप्ड विद लेवल बेस ठीक है ऐसा सा उसका बेस है एंड पाइप लाइक कंड फ्रॉम बिलो तो नीचे से उसके पास हमेशा एक सोर्स है जो कि पाइप पाइप लाइक सोर्स है जहाँ से ऊपर मैग्मा आ रहा है उसके पास ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास लेपोलेट्स तो लेपोलेट्स क्या होते हैं अब मान लीजिए ये एक है जो वॉल्केकैनोज़ uh, के पास जा रहा है ठीक है अब हमें ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, लेकिन एक मेन वेंट uh, है जहाँ से वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं इस वेंट की वजह से ठीक uh, है अब लेपोलिट्स क्या है तो ये वेंट है अब यहाँ पे मान लीजिए वेंट, वेंट में थोड़ी सी जगह मिल गई मैग्मा को थोड़ी सी जगह मिल गई है दूसरे साइड में ट्रैवल करने की क्योंकि कहीं फॉल्ट्स हैं या जो भी रीजंस हैं तो यहाँ पे मैग्मा इधर जा रहा है और इधर जाने के बाद में मैग्मा खुद को इस तरह से यहाँ पे इस शेप में इकट्ठा हो रहा है ठीक है सॉसर शेप में शेप में और आ, मतलब कि फ्राइंग पैन जैसे घर में होता है तो फ्राइंग पैन के शेप में कट हो रहे हैं जब फ्राइंग पैन के शेप में कट हो रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको लेपोलेट्स बोलेंगे इसकी खास बात यह है कि इसके नीचे डायरेक्टली कोई सोर्स नहीं है ठीक है आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास एक डायरेक्ट सोर्स है जहाँ से इसको मैग्मा लगातार मिल रहा है लेकोलेट्स को लेकिन लेपोलेट्स के नीचे कोई शेप नहीं है डायरेक्ट ठीक है कोई सोर्स uh, नहीं है वो इस जो वेंट है जो मेन वेंट जा रही है जहाँ पर जिसकी वजह से वॉलगेनिकपशन वाल्क, सो रहे हैं उस वेंट में से थोड़ा सा लावा जो है वो निकल गया है क्योंकि उसके पास थोड़ा सा गैप था और उसने खुद को यहाँ पे ऐसे इकट्ठा कर लिया और वो कूल ओ, कूल हो गया ठीक है तो ये जो शेप है वो लेपोलिट्स है अब लेपोलिट्स के बाद में क्या होता है फैकुलिस होते हैं तो फैकोलिस क्या होते हैं फैकुलिस में भी अब यहाँ पे क्योंकि कई सारे रॉक्स हैं और रॉक्स एकदम एक, एक लाइन से तो अरेंज नहीं है रॉक्स तिरछी मिर्ची अरेंज हो सकते हैं तो उस तिरछी मिर्ची शेप में यहाँ से नीचे से थोड़ा सा लावा जाके एंटी एंटीक्लाइंस और सिंक सिंगक्लाइंस में रॉक्स की अरेंज हो जा रहा है ठीक है तो वो कुछ वेव शेप में अरेंज हो रहा है क्यों क्योंकि रॉक्स के बीच में उसको ऐसी सी जगह मिल रही है तो जब ये वेव शेप में अरेंज हो रहा है तो वो आ, क्या कहलाएगा फैकोलिट्स कहलाएगा और ये आपको ये ध्यान रखना है कि फैकोलि के पास में भी अपना एक सोर्स होता है डायरेक्टली नीचे ठीक है वो इस वेंट से वो लावा नहीं मिल रहा है इनको ये नीचे डायरेक्टली जो सोर्स है बैथोलिट से वहाँ से एक सोर्स आ रहा है और उसको वो लावा मिल रहा है इस शेप में इकट्ठा होने के लिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास सिल्स है तो सिल्स क्या होती हैं सिल्स भी जैसे यहाँ पे से एक वेंट आपने देखा कि ये सॉसर शेप में इकट्ठा हो गया है ऐसे ही सिल्स में क्या होता है कि एक ऐसे एक हॉर्जेंटल हॉर्जेंटल शेप में यहाँ पे वॉल जो मॉल्टन मैग्मा है वो इकट्ठा हो गया और ठंडा हो गया है तो जब ये हॉजेंटल शेप में होगा तो उसको सिल्स बोलेंगे और अगर यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक वेंट थी यहाँ से कहीं लावा हुआ और उसके बाद ये लावा ऐसे ऊपर हो गया और अगर ये वर्टिकल शेप में है ओपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है तो इसको डाइक्स बोलेंगे ठीक है फ्लेकोलिक्स लोकोलिक्स सॉरी फैकोलिट्स इतना ही है वॉलनोज में इसके अलावा वॉलनोज में आपको कुछ नहीं पढ़ना है टाइप्स ऑफ वॉल्केकेनोज कौन से होते हैं उनका लैंड जो स्ट्रक्चर बनेगा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वो कैसा होगा वो जानना है आपको लावा की क्वालिटीज़ कैसी होंगी वो जानना है उसके अलावा और कुछ नहीं आपको बस ये पता होना चाहिए कि एसिडिक लावा और बेसिक बैस, लावा में क्या डिफरेंस होता है कंपोजिट लावा कंपोजिट कोलकनोज कंपोजिट वॉलकनोज क्या बोलते हैं क्यों बोलते हैं इन तीनों टाइप्स ऑफ वॉल्केन में डिफरेंस क्या है इसके अलावा इस टॉपिक में ऐसे सच अभी कुछ नहीं है हाँ इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखने की जोग्राफी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको दो जो भी टॉपिक्स हैं उसमें इंटर रिलेशन करना आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप अर्थ को अर्थक्वेक पढ़ें तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है अर्थक्वेक होता है एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से फॉल्टिंग हो जाती है और वॉल्कैनिक करप्शन हो जाते हैं या तो कई बार क्या होता है कि वॉल्केनिक्प्शन इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और अर्थक्वेक्स आ जाते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वॉल्कैनिक करप्शन की वजह से कई बार अर्थक्विक्स uh, आ सकते हैं और अर्थक्विक्स की वजह से कई बार वॉलकैनिक करप्शन भी हो सकते हैं ठीक है ऐसे ही वॉलकैनिक करप्शन जब हम अभी पढ़ रहे हैं बाद में जब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी या सी स्प्रेडिंग थ्योरी तो उसमें भी वॉल्कैनोज और अर्थक्विक्स के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है उसमें भी हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ किसको कैसे अफेक्ट कर रही है तो इस टॉपिक के लिए अभी इतना ही आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैंशन करिएगा आई होप हम मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँगी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू सो मच